नमस्ते दोस्तों, मैं योगेश, आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल वेद एजुकेशनल्स में। सो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। तो जैसे कि दोस्तों आप जानते हो, हमने न्यूमेरिकल्स मेथड नाम का सब्जेक्ट स्टार्ट कर चुके थे, जिसमें हमने न्यूमेरिकल सोल्यूशन ऑफ अलजेब्रिक इक्वेशंस नाम का यूनिट हम पढ़ रहे हैं। तो उसमें दोस्तों हमने तीन वीडियो अपलोड कर चुके हैं अब तक, दैट इज क्रैमर रूल का कर चुके हैं, गॉस एलिमिनेशन मेथड के दो वीडियो हम अपलोड कर चुके हैं। तो जिन्होंने अभी तक वो वीडियो देखे हैं तो प्लीज जाके जरूर देखें। तो दोस्तों आज का टॉपिक है हमारा, हाउ टू सॉल्व थ्री इक्वेशंस टू फाइंड थ्री अननोन बाय यूजिंग कैलकुलेटर। तो दोस्तों हम हाफ एन आवर या वन आवर से ज्यादा टाइम लगा के एक न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं क्रैमर रूल और गॉस एलिमिनेशन मेथड से। तो फाइनली वो आंसर करेक्ट है कि नहीं, इसको हम वेरीफाई कैसे करेंगे? तो दोस्तों विद इन अ 30 सेकंड आप वो कर सकते हो। तो मैंने ये वीडियो उसी पे ही बनाया है जिसमें मैंने यूज़ किया है सबसे बेसिक साइंटिफिक कैलकुलेटर 100 ms। तो दोस्तों इसमें जो मैं प्रोसेस फॉलो करने वाला हूँ वो सेम प्रोसेस आप इससे एडवांस कैलकुलेटर में भी फॉलो कर सकते हो। जैसे 991 ms होगा तो उसमें भी सेम प्रोसेस है, या उससे एडवांस कोई कैलकुलेटर होगा तो उसमें भी सेम प्रोसेस है। तो चलो विदाउट वेस्टिंग टू मच टाइम शुरू करते हैं आज का वीडियो लेक्चर। तो दोस्तों जैसे कि ये मेरा वीडियो नंबर वन का एग्जाम्पल है जो हमने सॉल्व किया था बाय यूजिंग क्रैमर्स रूल। तो इक्वेशन थे वहाँ पे 2x + 3y - z = 1, 4x + y - 3z = 11 और 3x - 2y + 5z = 21। तो उसका आंसर उस वीडियो में आया था, x = 4 आया था, y = -2 z = 1 आया था। तो दोस्तों ये थ्री इक्वेशन और थ्री अननोन का आंसर हम 30 सेकंड में पा सकते हैं और हमारा आंसर क्रॉस चेक कर सकते हैं कि क्रैमर रूल से जो हमने सॉल्व किया था प्रॉब्लम हमारा एग्जाम में करेक्ट है कि नहीं। सो चलो चेक करते हैं, इसको हम चेक करेंगे विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर। तो सबसे बेसिक साइंटिफिक कैलकुलेटर लूंगा मैं जो आप सभी के पास होता है और एग्जाम में भी अलाउड हो। तो दोस्तों ये है आपका सबसे बेसिक मॉडल साइंटिफिक कैलकुलेटर FX 100 ms, जो सभी इंजीनियर्स डिप्लोमा रहो या डिग्री उनको अलाउड होता है एग्जाम। तो इस कैलकुलेटर का यूज करके हम इसका आंसर कैसे फाइंड कर सकते हैं मैं आपको बता। चलो शुरू करते हैं, कैल्सियो ऑन करते हैं। ये मैंने कैल्सियो ऑन किया, पहले मैं सबसे पहले इसको क्लियर कर लूंगा, रिसेट कर लूंगा। तो शिफ्ट और यहाँ पे CLR लिखाई दे, तो इसको दबा दूंगा। हमें 3 नंबर दबाना है क्योंकि ऑल क्लियर करना है हमें। तो 3 दबाऊंगा और इक्वल टू दबा दूंगा, रिसेट होगा। अभी इक्वेशन में जाएंगे, ये मोड दबाऊंगा मैं, 1 इक्वेशन दिख रहा है यहाँ पे, नहीं ये आ गया इक्वेशन 1। तो 1 दबाना है, इक्वेशंस में एंटर करेंगे हम। तो अब इक्वेशंस आ गए, अननोन बोल रहा है कितने फाइंड करने हैं, 2 फाइंड करने हैं कि 3। तो हमें 3 फाइंड करने हैं इस इक्वेशन में, तो मैं 3 दबा दूंगा। ये देखो 3 दबाया, आ गया। तो अब यहाँ पे क्या आ रहा है, A1 B1 C1 D1। तो ये क्या है, A1 B1 C1। तो ये कोएफिशिएंट दोस्तों, तो जैसे यहाँ पे ये देखो, ये मेरा A1 है, ये मेरा B1 है, ये मेरा C1 है, ये D1। उसी तरह से A2 B2 C2 D2, ये A3 B3 C3 और D3, दिख रहा है ना। तो अभी ये वैल्यू में कैल्सियम पुट कर दूंगा, तो A1 की वैल्यू मेरी क्या है, 2, तो लेट्स 2 दबा दूंगा, इक्वल टू दबा दूंगा। B1 की वैल्यू मेरी है 3, इक्वल टू दबा दूंगा। जेड की वैल्यू है मेरी -1, माइनस साइन है तो -1 डालूंगा, इक्वल टू दबा दूंगा। और D1 की वैल्यू जो आफ्टर इक्वल टू के साइन बाद जो वैल्यू वैसे की वैसे वहां पे डाल देनी है, दैट इज 1। सिमिलर वे करना है A2 B2 C2 D2, 4 1 -3 और D2 है मेरा 11। अभी A3 पूछ रहा है, सो A3 B3 C3 और D3 जो मेरा इक्वेशन नंबर 3 है, सो A3 की वैल्यू मेरी वहां पे 3 है, देन B3 - 2 है 5 C3 और D3 मेरा 21। दोस्तों यहाँ तक मैंने सब वैल्यू डाल दी, बस अभी आपको सिर्फ इक्वल टू साइन दबाना है और आपको आंसर मिल जाएगा। तो देखो इक्वल टू साइन दबा रहा हूँ, तो एक्स मेरा आ गया 4, देखो 4, वाई मेरा आ गया -2, देख सकते हो y -2, थोड़ा चेक कर लो मेरा, और z1 आना चाहिए, सो z = y। तो इस तरह से दोस्तों आप विद इन 30 सेकंड आप अपना आंसर क्रॉस चेक कर सकते हैं फॉर 3 इक्वेशंस 3 अननोन। कितना आसान था देखो। सो हमेशा आंसर निकालने के बाद कौन से भी मेथड से निकालो, गॉस एलिमिनेशन निकालो या गॉस
एलिमिनेशन विद पार्शियल प्योरिटी मेथड से निकालो, थ्री क्वेश्चन थ्री अननोन के लिए आप कैसे से वेरीफाई करना मत। तो दोस्तों ये मेरा वीडियो नंबर टू का प्रॉब्लम था जो मैंने वीडियो नंबर टू में सॉल्व किया था, थ्री इक्वेशन थ्री अननोन के लिए उसके आंसर ये आए थे। तो आप ये कैल्सियम में डाल के देखिए सब वैल्यूज, तो आपको ये आंसर मिलने चाहिए। तो इस तरह से गॉस एलिमिनेशन मेथड का आंसर भी आप चेक कर सकते हो। दोस्तों ये प्रॉब्लम हमने गॉस एलिमिनेशन मेथड विथ पार्शियल प्योरिटी के साथ किया था, देखो जहाँ पे डेसिमल वैल्यूज थी। तो अभी ये फटाफट सॉल्व करते हैं कैल्सियम में पुट करके। ये मेरा ए वन है, बी वन, सी वन, डी वन, ए टू, बी टू, सी टू, डी टू, ये मेरा ए थ्री, बी थ्री, सी थ्री और डी थ्री। डालता हूँ फटाफट वैल्यू। तो मेरे प्रीवियस न्यूमेरिकल सेटिंग थी, तो मैं क्या करूँगा मोड दबा दूंगा, वन दबा दूंगा, कॉम्प आ गया, देन शिफ्ट क्लियर थ्री। तो दोस्तों इस तरह से हमेशा रिसेट कर लिया, वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं आता डायरेक्ट वैल्यू डाली तो भी। तो चलो मैं फटाफट इसको सॉल्व कर दे, तो हम मोड में जाएंगे, आ गए इक्वेशन वन, थ्री दबाएंगे, थ्री अननोन। ए वन मेरा मुझे यहाँ पे पता ये है 0.143, इक्वल टू दबा देंगे। बी वन मेरा ये 0.357, 2.01, इक्वल टू मेरा डी वन ये -5.173। ये मेरा ए टू -1.31, ये मेरा बी टू 0.911, मेरा 1.99, और डी थ्री मेरा -5.458। ये मेरा ए थ्री 11.2 -4.3, सी थ्री -0.605, और मेरा डी थ्री 0.4। देखो कितने फास्ट वैल्यू डाल दी। अब इसी मुझे इक्वल टू साइन दबाना है और मेरा आंसर आ जाएगा। देखो मेरा x इक्वल टू वन आ गया, y इक्वल टू टू आ गया, z इक्वल टू -3 आ गया। इस तरह से देखो दोस्तों मेरा 45 सेकंड का आंसर। आप प्रैक्टिस करोगे तो और फास्ट आपका आंसर आएगा। तो इस तरह से आप कैल्सी में वैल्यू डाल के आपका आंसर वेरीफाई कर सकते हो। आई होप आपको ये वीडियो बहुत यूजफुल रहेगा। थैंक यू वेरी मच गाइज फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आई होप ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रहे। तो आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी पता चले कैल्सी का यूज कैसे किया जाता है। सो जो दोस्त आज पहली बार चैनल पे आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकॉन को जरूर प्रेस करें। और आप सबसे कहना चाहूंगा प्लीज घर पे रहे, सुरक्षित रहे।